हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, निंजा ट्रिक बताने वाला हूं, 3 महीने में आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। सिर्फ आपको अपने चैनल पर एक काम करना है, वो एक काम सब कर नहीं पाते हैं। यहां तक मैं बात करूं तो मैं भी एक काम नहीं कर पाता हूं, वो एक काम, ठीक है। अब वो कहने के लिए एक काम है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको मिलते हैं 5 सिस्टम जिसे आपको फॉलो करना होता है, और एक काम से ही आपके चैनल पर पूरा रीच अच्छे से ग्रो हो जाता है। आपका चैनल मात्र 3 महीने में मोनेटाइज हो जाता है। 90 दिनों तक वो काम आपको करना होता है, ठीक है। आप 90 दिनों तक समझ लीजिए कि 3 वीडियो इन 1 डे, कंटेंट कैटेगरी कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। अगर आप अपने चैनल को अच्छे से मोनेटाइज करना चाहते हो, अच्छे से पैसा कमाना चाहते हो, तो ये सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ट्रिकी एवं टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइस, यहां पर सबसे पहली बात कर लेते हैं, अगर आप चैनल बनाए हो, चैनल पर काम कर रहे हो, या फिर अभी आप चैनल बनाने का सोच रहे हो, तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप अपने चैनल की कैटेगरी, एक अच्छे से कैटेगरी आप चूज कर लीजिए, जिसमें आपको डिसबैलेंस ना होना पड़े कि भाई हम इस कैटेगरी का वीडियो डालें या फिर अनदर कैटेगरी का वीडियो डालें। इससे क्या होता है, आपका जो बैलेंस हो जाता है वो ज़्यादा बिगड़ जाता है, वीडियो का भी बिगड़ जाता है, प्लस आपकी ऑडियंस का भी डिसबैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल का कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जो कि परफेक्ट होना चाहिए, जो कि कभी चेंज ना हो, और आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू उस पर उसी कैटेगरी की वीडियो डालनी है, अनदर कैटेगरी की वीडियो उस पर नहीं डालनी। इससे आपकी ऑडियंस जो होती है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि भाई हम ये चीज देख रहे थे, इससे जुड़ी ये चीज आने लगी, ठीक है, तो वो आपके चैनल से छोड़ देते हैं, आपकी वीडियो को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा मैं बात कर दूं कि आपकी जो वीडियो का कैटेगरी है, वो कैटेगरी के साथ साथ आपकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप अगर दिन में 2 वीडियो डाल रहे हो या फिर दिन में 1 वीडियो डाल रहे हो, कोशिश करो कि दिन में 3 वीडियो डालो। अगर आप यूट्यूब से ही निर्भर हो, यूट्यूब पर ही काम करना चाहते हो, तो 3 महीने आप 90 दिन अपने दरवाजे को बंद कर लो और 90 दिन आप अपने यूट्यूब को दे दो। 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने 30 दिन 30 × 3 यानी कि 90 डेज अगर अपने YouTube को दे दिया और 3 वीडियो एक दिन में डाला, तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम फॉलो कीजिए और तीनों करेक्ट टाइम पर वीडियो अपलोड करो, ठीक है। वीडियो को अपलोड करने के बाद आप जो तीनों वीडियो का कम्युनिटी पोस्ट करोगे, वो भी आपको एक अच्छे टाइम पे अपलोड करना है, जहां पर आपको YT स्टूडियो में एनालिटिक्स पे जाकर आप अपने ऑडियंस पे चेक कर सकते हो कि हमारी ऑडियंस हमारे चैनल पर यूट्यूब पर कब एक्टिवेट रहती है। उस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी पोस्ट करो, उस तरीके से आप अपना वीडियो पोस्ट करो, दिन में 3 वीडियो डालो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मात्र 90 दिनों तक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 3 वीडियो एक दिन में डालना है। अगर आप YouTube के लिए डाल रहे हो, तो YouTube से अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि हम किस कैटेगरी का वीडियो डालें, तो सिर्फ आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है और YouTube पर उस तरीके का वीडियो ढूंढना है। YouTube की ही वीडियो कॉपी करो, मगर अपनी आवाज में, अपने फेस पे, अपने तरीके से समझाने की कोशिश करो और उस तरीके का 3 वीडियो बनाओ। दिन में 3 वीडियो एडिट करो, 3 वीडियो अपलोड करो, 3 वीडियो का SEO करो, आपको खुद ही टाइम नहीं मिलेगा। 3 वीडियो अगर आप बनाते हो 90 डेज तक, 100% मैं बोल रहा हूं, टाइमिंग से अपलोड करो, पूरा अच्छे सा SEO करो। देखिए, बहुत सारे लोगों का लग भाई चांस होता है कि एक ही महीने में कोई वीडियो वायरल हो जाता है, 10 मिलियन, 20 मिलियन या फिर 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन भी चला जाता है, तो उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन कोई बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल से भी काम कर रहे हैं, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 महीने सिर्फ 3 वीडियो एक दिन में, समझ रहे हो, 3 वीडियो एक दिन में, यानी कि 270 वीडियो होंगे 3 महीने में, 3 महीने में 270 वीडियो डालो, अच्छे से एडिट करो, अपलोड करो, कंसिस्टेंसी रखो। अब जैसे मान लीजिए किसी दिन आपने वीडियो नहीं डाला, सपोज दैट, तो उस दिन क्या करो, आप उस दिन वीडियो मत ही डालो। अगर आप टाइम पे नहीं डाल पा रहे हो, तो दूसरे दिन उसी टाइम पर, सेम टाइम पे वीडियो अपलोड करो। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी आपकी ऑडियंस की बनी रहेगी। तो ऑडियंस क्या सोचती है कि चलो आज वीडियो नहीं आया, तो मान लीजिए अगर आपका चैनल है 3 महीने में मोनेटाइज नहीं हुआ, तो 4 महीने में 100% श्योर गारंटेड हो जाएगा, बिकॉज आप उस चैनल के लिए काम कर रहे हो, अपने चैनल पर कहाँ टाइम दे रहे हो। जहाँ पर आप टाइम दोगे, वहाँ पर आपकी वैल्यू बनेगी, आपका इज्जत बढ़ेगा, आपका प्यार बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, कंटेंट कैटेगरी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू, ये चारों चीज़ों को फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में आप चैनल मोनेटाइज कर सकते हो, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। लेकिन ये सब कोई कर नहीं पाते हैं, यहाँ तक मैं भी नहीं कर पाता हूँ। 3 वीडियो डालना, 3 वीडियो एडिट करना, 3 वीडियो का SEO करना, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन SEO, पूरा
तीन वीडियो बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे तो दो वीडियो डाल सकते हो। तीन वीडियो मैं भी डालता था, बीच में डालता था, बट मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता था। लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर हो और YouTube के लिए तुले हुए हो तो 100% आप तीन वीडियो डाल सकते हो, नो डाउट। आप बिना देखे मुझे कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप YouTube से कॉपी करो, YouTube से सीखो, YouTube पर ही वीडियो को बनाओ और YouTube से ही पैसा कमाओ। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।